बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये कुरान पाक की एक सूरत की दो तस्बीहात का अमल है, और अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये दो तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात का, मायूसियों का, नाकामियों का, बीमारियों का, मसाइल का नामुनिशान मिट जाएगा। और ये दो तस्बीहात आपकी ज़िंदगी में ऐसा सुकून, ऐसा रंग ले आएंगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ज़हनी सुकून अता फरमाएंगे, आपकी ज़िंदगी में आफ़ियत का निज़ाम चल पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी के मुश्किलात और मसाइल चुटकियों में हल होना शुरू हो जाएंगे। अमल बहुत ही आसान है, आप दिन के किसी भी हिस्से में ये दो तस्बीहात तवज्जो के साथ फुर्सत के वक्त में पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि किसी से ना ही बात करनी पड़े, ऐसा वक्त अपने लिए तलाश करें। किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या नमाजों के दरमियानी औकात में आप पढ़ सकते हैं, यानी 24 घंटों में आप किसी भी वक्त ये पढ़ सकते हैं। और पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ लेना है, चाहे आप एक बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, पांच बार, सात बार या 11 बार पढ़ें। और पढ़ने के बाद आपने दरमियान में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की दो तस्बीहात पढ़नी है। अब आपने जब भी सूरह इखलास पढ़नी है आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया के साथ आपने पूरी पढ़नी है। और पढ़ने के बाद जब आप दोनों तस्बीहात पढ़ चुके हैं तो आपने आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ लेना है और उतना ही पढ़ना है जितना कि आपने तस्बीहात के शुरू में पढ़ा था। यह आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने ये दो तस्बीहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके घराने को बख्श देनी है, और आप सल्लम के घराने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी आते हैं, उनकी अज़दवाज भी आती हैं, उनकी बेटियां, बेटे, औलाद यानी सब आते हैं, और अहले बैत भी आते हैं। आपने ख़ास तौर पर अहले बैत का नाम ज़रूर लेना है। तो जब आप ये तस्बीहात दुआ करके आप सल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को बख्श देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जब उनकी तवज्जो आपकी तरफ होगी तो आपकी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल होना शुरू हो जाएंगे। और आपने ये अमल कोशिश करें, रोज़ाना करें। किसी उज़र की वजह से कभी हो जाता है कि इंसान किसी दिन नहीं पढ़ पाता, लेकिन अगर कोई उज़र नहीं है तो रोज़ाना ज़रूर पढ़ें। और रोज़ाना ये अमल करने से ये इतनी इस अमल की ताकत बढ़ जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये अमल ऐसा है कि आपको पहले दिन ही इस अमल के असरात नज़र आएंगे और ये अमल आपको पहली बार में ही हैरान कर देगा, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।